हमें रोज की बचपन से ही काफी देखभाल हुई है। फ्लावर्स, अब ये दिलचस्प है। हाय, मैं सोनिक हूँ। हाय, मैं एमी हूँ। देखो मुझे क्या मिला। क्या ये शादी का प्रपोजल है? ओ, ऐसा लगता है कि कोई इसके खिलाफ है। डैडी लॉन्ग लेग्स, मैं तुम्हें चुनता हूँ। हाँ, तुम नहीं कर पाओगे। ओ हाँ, फिर पकड़ो। दादी, हेलो मेरी जान, क्या ये तुम्हारी नई दोस्त है? मैं एमी हूँ। ग्रैनी को गले मिलो। मेरा हैमर कैसा रहेगा? ओह ठीक है, तुम रह सकती हो। ये 24,100। आखिरकार हो गया। मुझे लगता है कि सोनिक को ये बहुत पसंद आएगा। सोनिक डियर, इस स्वेटर को देखो, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। पहन कर देखो। ओह शुक्रिया ग्रैंडमा। चलो इसे सर्दियों के लिए रख देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। अगली बारी तुम्हारी है एमी। वो ऐसा करना कब बंद करेगी? गुड बाय, मैं जा रही हूँ। अच्छे से रहना। आखिरकार अब सिर्फ ये दोनों ही हैं। जरा इस कपल को देखो, ये जरूर एक दूसरे को पसंद करते हैं। सोनिक बहादुर बनो, पहला कदम उठाओ। मुझे लगता है एमी बस इसी का इंतजार कर रही है। ओह सोनिक, तुम अच्छा कर रहे हो। चलो कुछ देखते हैं, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? और ये कौन है? हाय बच्चो, मैं यहाँ किसी वजह से हूँ। तुम्हारी मदद से मैं शैडो बनाने जा रहा हूँ। दुनिया का सबसे खतरनाक विलन, और दुनिया मेरी हो जाएगी। आपके बार्बर से ज्यादा खतरनाक नहीं है तुम्हारे हाथ। मेरे पास एक आईडिया है, चलो कुछ मजा करते हैं। मैंने ऐसा क्या कहा जो इतना मजेदार है? देखो एमी, प्रोफेसर आपको अपने आप को दूसरे एंगल से देखना चाहिए। तुम बदमाश हो। मेरे पास भी एक आईडिया है। क्या कभी किसी ने तुम्हें बताया कि तुम एक पियर की तरह दिखते हो? मैं तुम्हें पंच करना चाहती हूँ। ये मेरा सिग्नेचर है। मेरा सिर, वो अब हमें परेशान नहीं करेगा, हम आराम कर सकते हैं। उन शूटिंग आई बॉल्स को देखो। वाह, एमी ने मामले को अपने हाथ में ले लिया। मेरी पहली किस। वाह, हाँ हाँ हाँ, ये अब तक का सबसे अच्छा दिन है। रेजोनेटर कॉइल तैयार है। एक बार मुझे उसका डीएनए मिल जाए तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मेरा क्रिस्टल, बच कर रहो सोनिक्स। दरवाजा मैं खोलूंगी। शुक्रिया। ये अजीब है, हमने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। पता नहीं अंदर क्या है। चलो देखते हैं। क्या ये खाना है? ओ नहीं, एमी पर क्रिस्टल से जादू हो रहा है। एगमैन के पास जाओ, प्रोफेसर को क्रिस्टल लौटाओ, रूट बदलो, दरवाजा खोलो, लैब में जाओ। इसे क्या हुआ? अगर वो खतरे में हुई तो रूट ओवर, वॉक को स्कोर करो, वापस करो वो क्रिस। आउच, लड़ो मत। ओ, मैं कहाँ हूँ? मैंने इस जगह को पहले देखा है। एगमैन, ये तुम हो? हेलो एमी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुम इसका इंतजार कर रहे थे? ये लो, इतनी जल्दी नहीं। मेरा गिफ्ट पहन कर देखो, शायद मुझे सही साइज मिला है। अब कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। चलो अपने प्लान पर वापस चलते हैं। ये डीएनए सैंपल लेने का समय है। चलो तुम्हारी टिप्स निकालते हैं। तुमने काटा एमी, बुरा है। एक छोटा सा झटका तुम्हें सबक सिखाएगा। ये रहा पहला सैंपल। मैंने इसके लिए बहुत लंबे समय से इंतजार किया है। कन्वर्टर तैयार है, लॉन्च करने का समय है। मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। हे, क्या हो गया? काम करो कबाड़ के ढेर। हाँ, तुम यहाँ हो एगमैन। हेलो, माइस इन्फेस्टेशन को क्या हुआ? देखो रिंग्स। कहाँ? रुको, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। खैर वो चला गया, तुम छुप नहीं पाओगे। दूर जा रहे हैं। ओह नहीं, आउट, प्लीज मुझे नहीं। चलो मुझे खोल दो। वाह कितना मतलबी है। एमी तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम हैंगर का काम कर रही हो? आ, मैं समझ गया, ये ब्रेसलेट है। मुझे इसे उतारने दो प्लीज, ध्यान से। मैंने कर लिया। आउच, मैंने तुम्हें बोला था। क्या उसने ऐसा कैसे कर दिया? प्लीज मुझे कुछ मत करो। सोनिक, क्या हम इस पागल को सबक सिखाएंगे? मैंने इसे पहले भी देखा था, शायद स्टोर में कुछ अपडेट हो। वाह, मुझे हमेशा से ऐसा हथौड़ा चाहिए था, लेकिन ये बहुत महंगा है। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे लगता है कि ये तुम पर सूट करेगा। मैं बैलेंस देखता हूँ, ये एक हैंडल के लिए भी काफी नहीं है। मुझे एक आईडिया आया।
मुझे कुक करने दो। हैमर को खरीदने के लिए सोनिक को डबल शिफ्ट में काम करना होगा। उसे कई काम भी करने होंगे, लेकिन सोनिक अपने प्यार को खुश करने के लिए कुछ भी करेगा। फ्यू, और मैंने कितना कमा लिया। आखिरकार मुझे लगता है कि एमी बहुत खुश होगी। वाह, बहुत जल्दी आ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उसे ये पसंद आएगा। ओह, इस पर बहुत स्क्रैच है। यही रुको दोस्त, ये तुम्हारे लिए है। क्या ये सच में मेरे लिए है? तुम सबसे अच्छे हो, लेकिन तुम्हें इतना पैसा कहाँ से मिला? ये एक लंबी कहानी है। कुछ राज राज ही रहने चाहिए, लेकिन हथौड़े के लिए शुक्रिया। तुम बेचारे बहुत थके हुए हो। तुम्हें पता है मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है, सरप्राइज। शुक्रिया एमी, ये एक मास्टरपीस है। हो गया, मैं इसे टेस्ट करने का इंतजार नहीं कर सकता। ग्रीन क्रिस्टल, ये काम किया। सोफे पर एक रिंग, शायद ये एमी की है। ये पोर्टल कहाँ जा रहा है? मुझे पता था। सोनिक, एगमैन, तुमने ये कैसे किया? मुझे खुशी है कि तुमने पूछा। तुम इस बार मुझे हरा नहीं सकते। और तुम क्या करोगे, टस्कलेस वॉलरस? अब तुम मेरे कंट्रोल में हो, और ये वही है जो मैं मिस कर रहा था। तुम बहुत प्रिकली हो। मैं तुम्हारे चेहरे से ये मुस्कान मिटा दूंगा, तुम देखना। ओह, लगता है सोनिक बड़ी मुसीबत में है। सोनिक, सोनिक, तुम कहाँ हो? लिविंग रूम में ये शोर कैसा है? मुझे उम्मीद है कि सोनिक ठीक है। हनी, मेरा दिल जानता है कि वो दूसरी तरफ है। मुझे जल्दी करना होगा। बेबी, चलो मेरे पीछे आओ, तुम बहुत बड़े हो। फ्यू, बहुत मुश्किल से ला पाई। तुम यहाँ हो, तुमने क्या पहना है? ओह नहीं, ये फिर से एगमैन की चालाकी है। चुप रहो, मैं तुम्हें एक सेकंड में यहाँ से निकाल दूंगी। ओह, मुझे लगता है कि ये जाम है। चलो भी। सोनिक, वो कहाँ गया? मैंने उसे यहीं खड़ा किया था। शायद वो बाहर चला गया। हमें ढूंढ रहे हो क्या? मेरे नए हथौड़े से मिलो। 100, 200, आज के लिए बस इतना ही। डार्लिंग, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। वजन कम करने के बारे में सोच रही हो? अच्छा आइडिया है, मुझे लगता है मुझे भी करना चाहिए। ये मैन, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। बैलेंस वर्कआउट से ही सफलता मिलती है। क्या ये खाली है? हे, मैं सोच रही थी बच्चे को बॉटल की जरूरत होगी। बच्चा अभी थोड़ा बिजी है। मैं हेजॉग नहीं, मैं एक मशीन हूँ। और ये रही मेरी रिफिल, मुझे वर्कआउट के बाद बस यही चाहिए। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या ये? मैं फादर बनने वाला हूँ। मुझे तुमसे बहुत प्यार है। ठीक है, तो बेबी 9 महीने में आ रहा है ना? ये इंसानों के लिए है, हमारी स्पीशीज में ये जल्दी होता है। ठंड हो रही है, मैं अभी वापस आया। वाह, ठंड लग रही है। मैं आ गया, क्या आप ठीक हैं? हाँ, लेकिन ये ठीक नहीं है। सोफा बहुत हार्ड है। एक शब्द और नहीं। इस सोफे को क्या हुआ? ये लो हनी। हाँ शुक्रिया, मैं सच में मूड में नहीं हूँ। एमी के लिए कुछ देखने की जरूरत है। ये नहीं, पाउडर, ये भी नहीं, चॉकलेट। सोनिक, तुम कहाँ गए? मैं रास्ते में हूँ। हनी, ये खाओ, मैं अभी वापस आया। क्या ये कार्बोनेट है? लेकिन पॉपकॉर्न अच्छे लग रहे हैं। उफ, एक गिर गया। मिल गया, ये सच में तुम्हें खुश कर देगा। कैसे? ये सोम्ब्रेरो मुझे फिट भी नहीं आ रही। पॉपकॉर्न अच्छे थे, और तुम्हें गर्म रखने के लिए ये सॉक्स हैं। अब सिर्फ मेरे हाथों में ठंड लग रही है। इस लालची ग्लव ने पॉपकॉर्न देखा है। नूम, बोरिंग है। म्यूजिक मूड ठीक करने के लिए बढ़िया है। तुम ट्रैक कैसे बदलते हो? बोरिंग। सोनिक, हाँ डियर, तुम कहाँ गए? क्या ये जल्दी खत्म होगा? हो नहीं, और सिर्फ 1 मिनट हुआ है। अभी के लिए मिकी के साथ बातें करो। और मैं इसे किस बारे में बात करूं? उसके सिर में लव के सिवा कुछ नहीं है। शायद तुम गाना चाहोगी। मैं खाना चाहती हूँ, और ये खाने लायक नहीं है। हनी, मुझे पता है कि तुम हमेशा से एक कार चाहती थी। इसमें हमारा बच्चा भी फिट नहीं होगा, और मुझे एक इलेक्ट्रिकल कार चाहिए थी। हे भगवान, मैं इस टॉर्चर को और नहीं झेल सकता। चलो, क्या हो गया? आखिर
आखिरकार। हनी बच्चे को देखो, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितना खुश हूँ। बेबी कहाँ है? ये रहा, ये कितना प्यारा है। ओह सोने, तुम मेरे हीरो हो। जब तक मैं बच्चे को देखती हूँ, तुम थोड़ा आराम कर लो। चलो कुछ ताजी हवा खाते हैं, चले। वाह तुम स्ट्रांग हो मेरी जान, क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? ओह मुझे उम्मीद है कि आपको कोल्ड नहीं होगा, क्या आपके पास भी बेबी है? हाँ मैम, चलो यहाँ बहुत जगह है। बच गया, यहाँ बहुत गर्मी है। बिल्कुल आपके पैरों पर इतने बाल जो हैं। मैम क्या आप बच्चे को देखना चाहेंगी? ये क्या है? मेरा सिर, एक तीर से दो निशाने, मैं कितना लकी हूँ। बेबी, मेरा बेबी कहाँ है? बहुत हुआ एगमैन, तुम्हारा काम खत्म। हश, मैं हूँ एगमैन। चलो जल्दी करो, उसकी लैब में चलो। वूटी वूटी। मुझे बेबी सिटर के लिए काम पर नहीं रखा गया था, मुझे सिर्फ तुम्हारे डीएनए चाहिए। मेरे प्लान के आखिरी फेज पर जाने का समय आ गया है। चलो ये करते हैं। मैं उस पल का इंतजार नहीं कर सकता जब हर कोई मुझसे दया की भीख मांगने लगेगा। ये तैयार है, इस बार ये सब काम करेगा। ये रहा मेरा टम्बलर, मैंने इसके लिए बहुत इंतजार किया है। आइए सेफ्टी हटा दे, मुझे फिर से देखने की उम्मीद नहीं की थी। सोने और एमी, तुम हथौड़े के बारे में भूल गए, चलो इसे जल्दी से खत्म कर दे। हनी रुको, ये ठीक नहीं है, मैं अभी वापस आया। ये ऑफिसर है, हमने इसे पकड़ लिया। क्या ये जेल से कैसे निकला? वापस जेल में? ओ नहीं, बाय बाय, उम्मीद है कि तुमसे फिर कभी नहीं मिलेंगे। रुको बेबी, ये रहा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें चोट नहीं लगी होगी मेरी स्वीटी। हम एक साथ वापस आ गए हैं। एगमैन की गिरफ्तारी के बाद सोने कब खतरे में नहीं है, बस बुढ़ापे को छोड़कर। ओह मेरी पीठ, ध्यान से हनी। ओह ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, सोने कितना भी तेज क्यों ना हो, बुढ़ापे ने उसे घेर लिया है। ओह सोने, तुम्हारी रिंग, तुमने इसे सोफे पर छोड़ दी। चाहे जो हो जाए, जरूरी बात है कि आपको दिल से बूढ़ा नहीं होना चाहिए। हे, ये सोनिक है, तो ये रिंग इसकी है? शायद हेजॉग अभी सो रहा है। हे, तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं अभी घर पर था, क्या हो रहा है? अगर ये सपना है तो तुम पिघल जाओगे, तुमने मुझे गीला कर दिया। अच्छा होगा तुम पोकेमोन लेने में मेरी मदद करो। रॉस अभी यहाँ है, सोनिक ने इससे भी बड़े विलेंस को पकड़ा है। बिल्कुल, रॉस डर गया था, बस थोड़ा ध्यान भटक गया, मुझे याद किया। चलो सोनिक उन्हें सबक सिखाओ, ये कैविटी नहीं, बड़े हथियार लाओ। अब बात अलग है, पर रॉस की टीम हार नहीं मानेगी। मुझे नहीं लगता रैपिडैश का रिंग के साथ खेलने का मन है, आज बुरा सपना देख रहा है। ओह नहीं, ये सपना नहीं है, कोई मदद करो। वार्डन रैपिडैश जेल में शोर बर्दाश्त नहीं करेगी। ओह नहीं, वो फिर से आ गई, हमें भी किसी को बुलाना होगा। एक आखिरी पॉकेटबॉल, जल्दी चामी, हम मुसीबत में हैं, तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना होगा। चारमेंडर अपनी पिकनिक ऐसे नहीं खत्म करना चाहती थी। चार्मी ने फ्लेम नहीं यूज किया तो फिर किसने किया? ऐसा लगता है ये जेल दो फायर पोकेमोन के लिए बहुत छोटा है, सबसे ताकतवर ही जीतेगा। चार्मेंडर ने अपना हमला किया, रैपिडैश को इससे बेहतर की उम्मीद थी, वो भी फायर टेक्निक में माहिर है, शायद इनकी पावर बराबर है। एश ये कोई गुंडे नहीं है, अपना बैट वापस रखो, तुम सब उड़ा दोगे। फायर एक्सटिंग्विशर रैपिडैश को ठंडा कर देगा। अब टीम एश आगे है, उन्होंने रैपिडैश को गुस्सा दिला दिया। चार्मी को ना चाहते हुए भी उसे हार माननी पड़ेगी और पॉकेबॉल में वापस जाना पड़ेगा। उम्मीद की आखिरी चमक भी फीकी पड़ रही है, मुझे कलेक्शन पूरे करने के लिए यही चाहिए था। शुक्रिया एश, रॉस सारे पॉकेमॉन्स को बेच देगा। और ट्रेनर का हौसला पूरी तरह तोड़ने के लिए रॉस ने नए गार्ड्स बुला लिए, उसे आर्मडिलो एब्रा और बी ड्रिलबी से लड़ने देते हैं। और तुम उस पर नजर रखना, एब्रा अब उसका ध्यान रखेगा। एश अब एब्रा के भरोसे है। सोनिक की किस्मत अच्छी थी, हालांकि वो अभी तक घर नहीं गया। हे, स्क्रीन पर वो लड़का देखा देखा लगता है। मैंने कीमती पोकेमोन इकट्ठे किए हैं
और मैं इन्हें एक सस्ते रेट पर देने के लिए तैयार हूँ। ये मौका ना छोड़े। सोनिक अब समझ गया कि विलन को कैसे पकड़ना है, पर हम पिछली बार की तरह गड़बड़ नहीं कर सकते। सोनिक को कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी। उसे शायद सारे पोकेमोन का एक साथ सामना करना पड़े, पर ये चैलेंज ब्लू हेजहॉग को और जोश दिला रहा है। उसे ऐश और पोकेमोन को बचाना होगा। शायद ये तैयार है, हमें बस ध्यान रखना है कि वो तेज है। वाओ, इस स्पीडोमीटर को देखो। क्या ये पुराना रिकॉर्ड है? अब ठीक है। हाँ, सोनिक का पूरी तरह तैयार है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ऑक्शन अब शुरू हो चुका है। पहले है म्याउथ, देखने में सुंदर पर दिल से खूंखार। क्या ये बिलियों का शो है या एक असली ऑक्शन? शायद रॉस अपनी ऑडियंस खो रहा है। इन्वेस्टर्स को ये पसंद नहीं आई। रॉस के पास अब पोकेमोन को निकालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। म्याउथ एक चीज की तरह बेचे जाने से खुश नहीं है। ओह, तुम चूहे और बिल्ली का खेल खेलना चाहोगी? मैं ये कर सकता हूँ। म्याउथ समझ गया कि अमीर के साथ रहना एक पागल के साथ रहने से अच्छा होगा। इस क्यूटी को देखो, तुम इससे कैसे मना कर सकते हो? शेयर होल्डर्स कंफ्यूज्ड हैं। हमें ऐसे ही शुरू करना चाहिए था। अब सबको एक पोकेमोन चाहिए। बिक गई। अब ऐश का ध्यान रखने की स्नोरलैक्स की बारी है। ऐश अब और यहाँ नहीं रुकेगा, उसे जल्द ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। कितना टेस्टी डोनट है। स्नोरलैक्स पक्का मीठे को मना नहीं कर सकता। ये काम नहीं किया है ना? फिर से नहीं। स्नोरलैक्स खाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। क्या मुझे एक मिल सकता है? ऐश चाबियों के बदले पूरा बॉक्स देने को तैयार है। एक पूरा बॉक्स? वैसे रॉस गुस्सा करेगा, पर ये बहुत अच्छे है। मिठाइयों का लालच भारी पड़ा। आखिर आप ऐसे मिठाइयों को कैसे मना कर सकते हैं? ऐश आजाद होने में कामयाब रहा। अब बस इसका पोकेमोन वापस लेना बाकी है। अब उसे कोई ताला नहीं रोक सकता। शायद ये जाम है। नहीं, ये स्नोरलैक्स है जिसने बहुत ज्यादा खा लिया। उसके पास पूरे बॉक्स को पचाने की ताकत नहीं है। दुखी मत हो ऐश, लाइफ एक डोनट के बॉक्स के जैसा है। आपको नहीं पता कब एक खाना पड़ जाए। जब तक उसके पोकेमोन खतरे में है, ऐश को शांति नहीं मिलेगी। शायद यहाँ कुछ समय पहले ही रेनोवेशन हुई है। कितनी लापरवाही से टूल्स को यहाँ छोड़ा हुआ है। तुम्हें वेंट में से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। मियोनियर के दो झटकों ने ग्रेट को हिला दिया। बस थोड़ा और फिर ऐश आजाद हो जाएगा। जल्दी करो ऐश, गार्ड कभी भी यहाँ आ सकती है। ऐश अब समझ रहा है कि पोकेमोन को पोकेबॉल में कैसा लगता होगा। आखिर इस कमरे में क्या है? ये जिग्लीपफ है। उसका कॉन्सर्ट पूरे जोरों पर है। नहीं ऐश, आगे कोई रास्ता नहीं है। जल्दी वापस आ जाओ इससे पहले कि देर हो जाए। ये डरावना था, वो पकड़े जाने के बहुत करीब था। हमें बस सारे सबूत छुपाने होंगे। ऐश जल्दी करो, तुम पकड़े नहीं जा सकते। सब ठीक लग रहा है। ऐश को अभी भी नहीं पता कि वो यहाँ से बाहर कैसे जाए। पिकाचू, ये तुम हो? ट्रोम फूड डिलीवरी खास ऐश कैच हम के लिए। ऐश को याद नहीं उसने बकेट कब ऑर्डर किया। ऑर्डर याद ना होने का ये मतलब नहीं कि तुम पैसे नहीं दोगे। आखिर उसे जेल में पैसे कहाँ से मिलेंगे? वैसे उसे ये चोरी करने की क्या सजा देंगे? दोबारा जेल में डालेंगे। वो इस बार बच गया, पर ऐश पर उसका उद्धार है। हाँ, ये बहुत सख्त है। क्या ये लोहे का बना है? और आज बिल्कुल सही था, ये ट्रोजन बैकेट है। ये उसकी आजादी की चाबी है। अब वो जल्द ही जेल से बाहर निकल जाएगा। ऐश, तुमसे कोई मिलने आया है। रॉस ने अब ईवी को भेजा है और वो दिलचस्प है कि ऐश क्या कर रहा है। क्या ट्विस्ट है, ईवी को बिल्कुल शक नहीं हुआ। ऐश को नेल फाइन करते देखकर पोकेमोन को जलन हुई। शायद वो ईवी को दे देगा। ईवी की सुंदरता से कोई नहीं बच सकता। ओह नहीं ऐश, उसे भागने मत दो। क्या सब खत्म हो गया? शायद ऐश की किस्मत फिर से चमकी है। अब बी ड्रिल की बारी है। ऐश, तुम्हें यकीन है कि बी को छेड़ना अच्छा आइडिया है? बी खुद भी ये देखकर हैरान है, पर ऐश ने चिढ़ाना बंद नहीं किया। इसने बी को गुस्सा दिला दिया। वो इसे अभी ठीक कर देगी, पर पहले वो उसे पकड़ेगी। ये काम कर रहा है। खतरनाक डंक पास आते जा रहा है। लेवेंडर, चलो बी अपने छत्ते में वापस जाओ। ये काफी रिस्की था ऐश। ओह नहीं, खैर ज्यादा खुश मत हो। ऐश अब बुरा फंस चुका है। अब वो कैसे भी भाग नहीं सकता। पर ये क्या है? सोनिक, रैपिडाश भी इतनी तेज नहीं है। तुम बिल्कुल समय पर आए हो। सोनिक, मुझे पता है क्या करना है। ध्यान भटकाना है। सोनिक मारने का कोई मौका नहीं देगा।
पोकेमॉन पकड़ना ऐश की खासियत है। क्या? पर वो कहाँ गया? शायद आबरा भाग गया। सोनिक, ये नहीं हो सकता, अब हमें कोई पोकेमॉन नहीं मिलेगा। हे, मुझे पता है उन्हें कहाँ ढूंढना है। ऑक्शन अभी खत्म नहीं हुआ, मतलब अभी भी उम्मीद है। अगला, क्या मैं 2 मिलियन सुन रहा हूँ? आबरा बॉस को भागे हुए कैदी के बारे में बताने आया है, पर शायद इसकी जरूरत नहीं, वो खुद रॉस को ढूंढ रहा है। आबरा ये समझ गया और फैसला किया कि सरप्राइज खराब नहीं करेगा, बस पीछों के लिए ही लोग करोड़ों देने को तैयार है। रॉस के ऊपर ऑफर्स की बारिश हो रही है। आश अपने पोकेमॉन के साथ ये कभी नहीं होने देगा। तुम पकड़े गए रॉस, पर वो वापस जेल में नहीं जाना चाहता। तुम अब घिर चुके हो और अब तुम भाग नहीं सकते, खासकर जब कोई तुमसे तेज हो। सोनिक की स्पीड बहुत तेज हो चुकी है, वो इतना तेज है कि उसके लिए समय रुक गया। हेजॉग को कम मत समझो, भारी पड़ सकता है। काम हो गया। ऐश भी एक कछुए के जैसा है। अब ऐश को टीम वापस मिल गई है, तो वो इसे रोक सकता है। चार्मी, क्या ये तुम हो? लगता है एक रीमैच का समय है। रॉस, तुम्हारे पास गलती मानने का आखिरी मौका है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। रैपिडैश आखिर आबरा के हिप्नोसिस से बाहर आ गई। रॉस फिर से जोश में आ रहा है। अब ऐश और उसकी टीम उतनी डरावनी नहीं है। चार्मी फिर से रैपिडैश से लड़ना नहीं चाहती, पर ट्रेनर को बचाना पोकेमॉन का काम होता है। एक बार फिर से फायर पोकेमॉन आपस में भिड़ रहे हैं, पर चार्मी की पावर्स उसके सामने कुछ नहीं। रॉस इस आसान जीत से बहुत खुश है। चार्मेंडर ने अपनी ताकत जुटाई। चार्मी एवोल्यूशन के अगले पड़ाव पर पहुंच गई। अब वो चारिज़ार्ड है। वाओ, ये अपोनेंट रैपी के लिए बहुत मुश्किल है, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं है, उसे फिर से लड़ना होगा। चारी की ताकत और भी बढ़ चुकी है। एक और फायरबॉल और बेचारी रैपिडैश हार गई। खैर, बहुत हो गया रॉस, तुम्हारा शो खत्म। तुम जेल में अब नया शुरू कर सकते हो। रुको, ये क्या है? डॉक्टर एगमैन ने पोकेबॉल को हैक कर लिया। और ये रहा वो, तुमने एक सीक्रेट लेवल डिस्कवर किया है। मुझे लगा कि अब गिफ्ट सीरियल में नहीं डालते, तुम्हें खाने की जरूरत है। सोनिक डिलीवरी को हमेशा पता होता है कि क्या चाहिए। जोसी बहुत जल्दी जल्दी खोल रही है। पहले ब्लू हेजॉग, अब हैप्पी मील। दादी इस तरह की डाइट के खिलाफ है। सोनिक को फास्ट फूड पसंद है। ऐसा लगता है कि फूड चैलेंज से बचने का कोई तरीका नहीं है। सोनिक और ग्रैनी किचन में एक दूसरे के आमने सामने है। मुझे लगता है एक सीरियस लड़ाई होने वाली है। ग्रैंडमा अपनी पोती के लिए सिर्फ बेस्ट ही चाहती है। एक गोल्डन एग, ये एक जैकपॉट है। सोनिक को लगता है कि क्वांटिटी क्वालिटी से ज्यादा जरूरी है। ग्रैनी उसे कैसे हरा सकती है, पर ग्रैनी की अपनी ट्रिक्स है। कुकिंग शुरू करने का समय हो गया है। कैसा लगा सोनिक? अब तुम्हें और मेहनत करनी होगी, पर सोनिक बनाने से ज्यादा खाने में माहिर है। ग्रैनी के मूव्स ने सोनिक को ओवरटेक कर दिया। सोनिक ने हार नहीं मानी, क्योंकि प्यार जरूरी चीज है। ग्रैनी को वो पता है जो किसी को नहीं पता, और एप्पल सीधा उनके गार्डन से आते हैं। सोनिक ने फ्रूट निंजा खेलने का सोचा। उसकी स्पीड के साथ ये आसान था। उसे स्पीड के बारे में क्या पता है? ग्रैनी पैनकेक बनाती है। ग्रैनी को हराना मुश्किल है, लेकिन अभी तक उसके एप्पल पाई को कोई मना नहीं कर पाया। मोल्ड तैयार है, बस इसे बेक करना बाकी है। लेकिन पहले हम थोड़े स्किटल्स डालेंगे। ये अब तक की सबसे खट्टी मीठी पाई होगी। सबसे इको फ्रेंडली तरीका होता है इसे सूरज में बेक करना। सोनिक ध्यान से, नहीं तो तुम इसे जला दोगे। एप्पल पाई सीधा डिजर्ट हीट से। अब ग्रैनी कौन सी शेकी मारेंगी? मुझे जल्दी करना होगा। और हेजॉग सब कुछ इतनी जल्दी कैसे कर लेता है? ग्रैंडमा ने भी जल्दी करने की कोशिश की। सोनिक, तुम यहाँ सबसे तेज नहीं हो, थोड़ी सी स्मूथिंग। हाँ, प्यार से सारे काम हो जाते हैं। जरा इस मॉन्यूमेंट को देखो, मेरी पोती को चॉकलेट टॉपिंग बहुत पसंद है, और वो भी ढेर सारी। और केक पर चेरी की जगह चेरी केक होगा।
अब हम जोशी को सब कुछ दिखा सकते हैं। क्या तुमने हमें याद किया है स्वीटी? ये रहा तुम्हारा सोनिक लंच। इंस्पेक्टर जोशी ने डिश की इंस्पेक्शन शुरू की। क्रस्ट बहुत हार्ड है। रुको, क्या ये अंडे का छिलका है? सोनिक, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सबसे मजेदार चीज के लिए रास्ता दो। मुझे लगता है कि केक कुछ जोशी से भी बड़ा है। सोनिक हार मानने को तैयार नहीं है। जोशी को ग्रैंडमा की डिश बहुत पसंद आई और अब सब कुछ बहुत स्वीट है। जोशी, तुम ये सब नहीं खाओगी है ना? ग्रैनी के केक के सामने कोई नहीं जीत सकता। ग्रैनी का केक जीत गया। बेचारा सोनिक, वो बहुत उदास है, लेकिन ग्रैनी के लिए सारे बच्चे एक समान है। यहाँ तक कि जोशी को भी हेजॉग पर प्यार आ गया। ग्रैंडमा की रेसिपी के साथ तुम एक असली शेफ बन जाओगे। पैनकेक बियर, जोशी को ये जरूर पसंद आएगा। सोनिक ने फिर से अपना लेवल दिखाने का फैसला किया, लेकिन इस बीच उसे डो मिक्स करना है। ये रहा उसके लिए बिना छिलके का अंडा। थोड़ा सा दूध उसकी जरूरत से भी कम। सोनिक के पास इसका हल है। दूध खत्म हो गया। हाँ, मैं मिल्क टैंक जाऊंगा। सोनिक, इस तरह तुम अपने सभी रिंग्स खो दोगे। ब्लू को चोट लग गई, लेकिन उसे ग्रैनी के लिए दूध मिल गया। बहुत बढ़िया काम किया। सोनिक, क्या हुआ? मुझे लगता है कि उसे किसी ने मारा है। चिंता मत करो सोनिक, ये हर किसी के साथ होता है। हाँ सोनिक, काम पर ध्यान दो। लगता है जैसे सोनिक को खुले में खाना पकाना पसंद है, लेकिन पैनकेक्स पकाने के लिए सूरज बहुत कम है। आखिरकार ये तैयार हो गए। सोनिक अपने डेजर्ट पैनकेक्स पेश कर रहा है। मुझे लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही पका दिया। ग्रैनी चखने में हिचकिचा रही है। सोनिक जानने के लिए बेताब है। उसके पैनकेक से ग्रैंडमा के दांत गिर गए और ये शेफ की तारीफ नहीं है। उसे पहले ट्राई करने दो। बाह, इतनी सारी सैंड है। प्लेट साफ करते हैं। सोनिक इस फैसले से निराश है। ग्रैनी को उसको सबक सिखाना होगा। वाह, लगता है ग्रैनी के पास भी गोल्ड रिंग है। ये लो सोनिक, कुछ असली पैनकेक्स ट्राई करो। ये बहुत प्यारे हैं। सोनिक, क्या तुम भूल गए? तुम एक बियर बना रहे थे। मैं तुम्हें एक मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती। ये सब वापस रखो। ये जोशी के बियर के लिए पैनकेक्स है। हाँ सोनिक, अपने आप को बिजी रखो। ग्रैंडमा एक मास्टरपीस बना रही है। मुझे यकीन है कि जोशी को अपनी आर्ट बहुत पसंद आएगी। सोनिक, क्या तुमने सब कुछ खा लिया? ग्रैंडमा उस डिश को कैसे खत्म करेगी? इसे जल्दी वापस रखो, समय नहीं है। हाँ बिल्कुल सेम बास्केट। मुझे उम्मीद है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। सोनिक चीजों को ठीक करने में कामयाब रहा। अब सिर्फ ग्रैनी बास्केट की इंचार्ज है। ये बहुत स्वादिष्ट है, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। लेकिन आज रात ये सब जोशी का है। सोनिक, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। ऑर्डर 122, पैनकेक बियर और मिल्क शेक। इंस्पेक्टर स्ट्रिक्ट और ईमानदार है। चलो टेस्ट करें। कान खाए जा सकते हैं। मैं शेफ को क्या कहूँ? ये तारीफ है या अपमान? ये बेहतर हो सकता है। तुम्हें शाही मिल्क शेक ट्राई करना चाहिए। हाँ, बियर थोड़ा सूखा है, लेकिन साथ में ये बहुत अच्छा है। सोनिक तारीफ से बहुत खुश है। उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। जोशी ने पूरी डिजर्ट को 7 में से 5 क्रिस्टल की रेटिंग दी। पूरा स्कोर नहीं है। ग्रैंडमा, मुझे लगता है कि आपके फ्लोर बोर्ड में से आवाज आ रही है। तुम किस लिए खड़े हो? रेसिपी खोलो। जोशी को विनी दीपो पसंद आएगा, चिप्स की तरह। आउच! मुझे लगता है कि ग्रैनी मान गई। हमें पहले चावल उबालने हैं। कलर के लिए हल्दी डालें। सोनिक एक बच्चा है, डिश पर ध्यान देते हैं। अब चावल में एक नया रंग और स्वाद आ जाएगा। ग्रैंड सोनिक को किचन का इंचार्ज बना देती है। ब्लू है जो कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहा। उसे स्वीट्स पसंद है, चावल नहीं। पॉट से दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन ये अभी भी उसका पीछा कर रहा है। चावल बनने में कितना टाइम लगेगा? सारी जिंदगी इस बीच सोया जा सकता है। खैर खैर, ऐसा लगता है कि ब्लू आजकल ट्रेंड में है। स्नॉर्लेक्स उत्सुक है। ये स्मेल कैसी है? बेहतर होगा वो इसे घर पर टेस्ट करे। गुड मॉर्निंग सोनिक। ये सोचना भी डरावना है कि ग्रैनी उसके साथ क्या करेंगी। पोर्टल सब कुछ ठीक कर देगा। इस बार तुम्हारी मनपसंद सॉस तुम्हें निराश कर देगी। पर इसने सोनिक की बहुत मदद की। ग्रैनी को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये डेकोरेशन उसे कंफ्यूज कर देगी। सोनिक सिर्फ क्रिएटिव होना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि ये क्रिएटिव की तरह है। बेशक ये खाया जा सकता है, हमें यही चाहिए। ग्रैंडमा ने बाकी काम करना शुरू किया। सोनिक भी करना चाहता है। ग्रैनी बहुत ध्यान से कर रही है। अब ये विनी दी पूह की तरह लग रहा है। हेजॉग को जगह नहीं मिल रही। ग्रीन के बिना बेहद
पूरा है। ठीक है, ग्रैनी ये भूल गई थी, विनी द पूह को शहद पसंद है और जहाँ शहद वहाँ मी। सोनिक भी ट्राई करना चाहता है लेकिन लग नहीं रहा ये अंडा बस करेगा। हो गया, बहुत बढ़िया। अब हमें दूसरा कोर्स बनाना होगा। ये सोनिक है, ग्रैंडमा को हेजॉग की मदद करने में खुशी मिलेगी। उनके पास पहले से ही कुछ मजेदार मफिन प्लांट्स हैं। और देखो कितने हैं। नहीं नहीं सोनिक, थोड़ी देर इंतजार करो। ग्रैंडमा ने अपने टोंग्स कहाँ रख दिए, लेकिन सोनिक मानने वाला नहीं है। किसी को भी एक पीस का गायब होना पता नहीं चलेगा। हाँ तुम जगलर हो, ये रहा टोंग। वापस चलते हैं। क्या हुआ सोनिक? ग्रैंडमा ने किसी वजह से तुम्हें रुकने के लिए कहा था, वो तुम्हें खुद ट्रीट देना चाहती थी, लेकिन ये स्नैक्स का समय नहीं है। ग्रैंडमा सब कुछ रेसिपी के अनुसार बना रही है, उन्हें एक व्हाइट एग की जरूरत है। तुम योग कैसे निकालोगे? शुक्रिया सोनिक, एक दिक्कत कम हो गई। वाह, ये किसी तरह का मैजिक है। ये ग्रैंडमा की ट्रिक है। थोड़ी सी शुगर, थोड़ा सा फ्लोर। सोनिक फ्लेवर और कलर के लिए सिरप डालना चाहता है। ग्रैंडमा भी। ये बहुत बढ़िया होगा। हे सोनिक, ज्यादा मत डालो। अब इसे मिक्स करने का समय हो गया है, लेकिन मिक्सर काम नहीं कर रहा। शायद बटन अटक गया है, बिजली की दिक्कत है, प्लग नहीं लगा हुआ। ग्रैनी ने ऐसे ही प्लान किया था, उनके काम में टांग मत अड़ाओ। तो अब क्या? मुझे लगता है ग्रैनी अपनी दवाई लेना भूल गई है। अच्छी बात है कि प्लान बी है। अब सोनिक नाइट बन गया है।